कुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के आगमन का समय हो गया है। माँ लक्ष्मी ने कहा था कि मेरी पूजा तब सार्थक होगी जब श्री गणपति को प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। आप प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के बारे में हमको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित श्री अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, दखल न्यूज के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का नमस्कार। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में राखी नायक जी मौजूद हैं। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्वाति गुप्ता मौजूद है। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पंडित जी आपके पास। पंडित जी, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के आगमन का समय हो चुका है और तीज भी उसी दिन है और चतुर्थी भी उसी दिन है। सबसे पहले तो महिलाओं की तरफ से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि महिलाएं कैसे पूजा की शुरुआत करें, तीज और चतुर्थी कब और कैसे मनाएं? बिल्कुल, बहुत सुंदर सा आपका प्रश्न है। और आप देखिए, इस बार बड़ा कई वर्षों के बाद इस बार पहली बार तीज और चतुर्थी एक ही दिन मनाने की स्थिति बनी। और ये सारी स्थिति हमारे ग्रह चक्रों के कारण है, चंद्रमा और खासतौर से नक्षत्र के कारण है। आप देखिए, द्वितीया और तृतीया भी इस बार मिलन दोनों तिथियों का हो रहा है। अर्थात यदि हम बात करें रविवार यानी एक तारीख को, तो एक तारीख को जो तृतीया है जी, वो तृतीया तिथि हमारी दोपहर में लगभग 1:36 से प्रारंभ हो रही है। हम लोग हमारे यहाँ हिंदू में पंचांग में हम लोग मानते हैं कि उदया तिथि में जो तिथि होती है उस तिथि को हम मानते हैं, ना कि मध्याह्न की तिथि को। इसलिए इस बार तृतीया जो रहेगी, हरतालिका तीज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि महिलाओं का एक सबसे बड़ा पर्व है। करवा चौथ और हरतालिका तीज, इन दोनों पर्वों की बात ही निराली है। और आप देखिए, इस बार तृतीया दोपहर में आ रही है, इसलिए रविवार को मनाना नियत नहीं माना गया है। इसको नियत माना गया है सोमवार को। सोमवार को प्रातःकाल उदया तिथि में तृतीया तिथि रहेगी, तो हमेशा हरतालिका तीज का जो व्रत प्रारंभ होता है वो मध्य रात्रि से। जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो अविवाहित हैं या विवाहित हैं, दोनों महिलाएं भगवान शिव जैसा वैवाहिक संबंध पाने के लिए, वैसा वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। तो मैं दखल न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक आज हमको हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उन सभी को ये बतलाना चाहते हैं कि तृतीया अर्थात हरतालिका तीज सोमवार को मनाएं, और सोमवार को ही दोपहर बाद भगवान शिव और माता पार्वती के जो प्रथम पूज्य देव हैं अर्थात गणाधिपति महादेव भगवान गणपति जी का भी जन्म दिवस है, तो आप दोनों पर्वों को एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाइए। पंडित जी, ये तो तीज की बात हो गई। महिलाओं के मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी पूजा पाठ को लेकर कि कैसे करें, वो आपने दुविधा उनकी जरूर दूर की। पंडित जी, कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य शुरू करना मतलब श्री गणेश करना। बिल्कुल बिल्कुल। और श्री गणेश जब हम करते हैं और गणपति बाप्पा मोरया अगले बरस तू जल दिया और लीजिए आ गए गणेश जी, गणेश जी आ चुके हैं। बिल्कुल। अब उनकी पूजा अर्चना कैसे, क्या शुभ मुहूर्त? बहुत सुंदर बात है। देखिए, भगवान गणपति की हम बात करते हैं, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान शिव और माता पार्वती ने भी उनको प्रथम पूज्य वाली स्थिति में रखा, सबसे पहले उनकी ही पूजा की। तो आज उनकी पूजा का जो मुहूर्त है, क्योंकि दोपहर बाद भगवान गणपति जी का आगमन हो रहा है, तो सबसे पहला मुहूर्त है दोपहर में 3:35 से शाम 5:09 के बीच में आप गणपति जी की अपने घर में स्थापना करें, क्योंकि चतुर्थी उसी समय प्रारंभ हो रही है दोपहर में 3:35 से। तो आप शाम को 3:35 से 6:43 के बीच में आप लाभ और अमृत का जो चौघड़िया है उसमें आप गणपति जी को अपने घर लेकर आए। उसके बाद 6:48 से 8:03 के बीच में चर का चौघड़िया है, आप चाहें तो उसमें भी गणपति जी की आप स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन मुहूर्त हैं। तो आप दोपहर में 3:35 से रात को 8:03 के बीच में आप भगवान गणपति जी को अपने घर में लाकर विधि पूर्वक आप उनकी स्थापना और पूजन कर सकते हैं। कोई अपने घर में बाल रूप में श्री गणेश को लेके आएगा तो कोई लाल बाग के राजा, कोई सिंहासन पे बैठे होंगे तो कहीं मूषक। पंडित जी, शुभ गणेश जी
कैसे घर और संस्थान में बिठाने जाए। देखिए हमेशा गणपति जी को जो आपको लाना है घर में या संस्थान में बिठाना है, आप हमेशा ध्यान रखें कि गणपति जी जो है वो चार अंगुल के होना चाहिए। जो हमारे चार अंगुल होते हैं, जैसे ये हमारे चार अंगुल हैं, ये हमने चार रखे, फिर इसके ऊपर चार अंगुल, इससे ज़्यादा बड़े गणपति जी हमको घर में नहीं बिठाना चाहिए, ना ही हमको अपने कार्यस्थल पर बिठाना चाहिए। इससे जो बड़ी आकृति की जो प्रतिमाएँ हैं, आप उनको किसी पंडाल में, किसी बड़े मंदिर में, जहाँ आपको पूजा अर्चना बड़े रूप में करनी है, वहाँ पर उनको बिठाना चाहिए। घर में छोटे से गणपति जी रखें। मैं तो यही कहूँगा कि चारों चार आठ अंगुल के आप गणपति जी रखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 अंगुल के गणपति जी अपने घर में स्थापित कर सकते। जी स्वाति जी, आप कुछ सवाल करना चाह रही थी। मैं पंडित जी ये पूछना चाह रही थी कि हम घर में जो गणेश जी का विराजमान करते हैं और हमारे यहाँ पहले से जो गणेश जी होते हैं, तो क्या ये सही होगा कि हम एक और मूर्ति लाके रखें और उनकी पूजा करें, या जो हमारे गणेश जी पहले से हैं घर में हम उनकी पूजा करें? आप दोनों की पूजा कर सकती हैं। घर में जो गणपति जी हैं, आप उस दिन प्रातःकाल उनको स्नान ध्यान करा के रखें, क्योंकि हमको दोपहर के बाद भगवान गणपति की स्थापना करना है। तो चूंकि उस दिन तीज है, तो हम तीज की जब पूजा करेंगे तो उसमें भी शिव और पार्वती के साथ हमको भगवान गणपति को भी बिठाना है, क्योंकि सबसे पहली पूजा तो भगवान गणेश की होना है। आप उनको विधि पूर्वक साफ कर लें, स्नान ध्यान करा के रख लें। यदि ऐसी प्रतिमा है जिनको स्नान ध्यान करा कर रखा जा सकता है, नहीं रख सकते तो आप एक साफ कपड़ा लें, साफ कपड़े से उनको साफ कर लें, गंगा जल का छींटा दें। ध्यान रखें तुलसी का पत्र उसमें नहीं डला होना चाहिए। गणपति जी और तुलसी दोनों एक दूसरे से बहुत विषम स्थितियों में हैं। गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिए। और साफ एक लकड़ी के पटे पे उनको बिठाएं, हरा या सिंदूरी रंग का वस्त्र, क्योंकि उनको हरा रंग बहुत पसंद है। और आप देखते हैं हरा रंग प्रकृति का भी रंग होता है, और भाद्र मास का जो महीना है ये प्रकृति का महीना होता है, जिसमें प्रकृति पल्लवित होती, खूब आगे बढ़ती है। तो आप बढ़िया भगवान को, क्योंकि उनको हरी दूर्वा बहुत पसंद है, चढ़ाते हैं, तो आप जो है हरे रंग के कपड़े के ऊपर वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र लें, साफ कपड़ा लें, लकड़ी के पटे पर उनको बढ़िया बिठाएं और उनको विधि पूर्वक स्थापित कर दें, यदि आपके घर में पहले से हैं। और यदि आप नए गणपति जी लाना चाहते हैं, गणपति जी कितने भी संख्या में हो सकते हैं, कोई नियत नहीं है उनके बारे में कि आपके घर में एक है, तीन है, पांच है, आप जितने गणपति चाहें उतने रखें। परंतु एक चीज का ध्यान अवश्य रखिएगा, गणपति जी अपने ठीक पीछे उनकी जो पीठ होती है वहां से वो नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, तो उनकी पीठ ऐसी हो वो दीवार की तरफ हो, जहाँ उसके पीछे आपका कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, तो ऐसी जगह रखें ताकि उनकी पीठ जहाँ पर भी हो तो उनकी पीठ से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में समाहित ना हो सके, प्रवेश ना कर सके। तो इतना ध्यान सभी को रखना चाहिए। पंडित जी, स्वाति जी से ही संबंधित एक सवाल, जो लोगों के मन में भ्रम रहता है कि हमारे यहाँ तो पहले से गणेश जी हैं, हम नई मूर्ति स्थापित करें कि नहीं, तो सीधा सीधा सा तरीका है कि भाई जो महोत्सव के गणेश जी होते हैं, महोत्सव की जितनी मूर्तियां होती हैं वो विसर्जन के लिए होती हैं। बिल्कुल, गणपति जी की जो मूर्ति है वो मिट्टी की हम लोग पूजा के लिए लाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश हमारे जो है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वो प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए थे? मिट्टी से प्रकट हुए थे। बड़ी सुंदर सी कथा है, हम सभी लोग जानते हैं उस कथा को, कि माता पार्वती एक ऐसा पुत्र चाहती थी कि जो आज्ञाकारी हो, उनकी बातों को माने। तो उन्होंने मिट्टी से एक आकृति बनाई और उस मिट्टी की आकृति में उन्होंने प्राण फूके और उससे भगवान गणपति जी प्राकट्य हुए। इसलिए आज के दिन गणपति, गणेश चतुर्थी के दिन, हम लोग मिट्टी के गणेश छोटे से लेकर आते हैं, जिनको अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोग 11 दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा। मिट्टी के रूप में क्यों लाते हैं? क्योंकि एक आकृति के रूप में वो हमारे घर में प्रविष्ट होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा पूरे साल भर हमारे यहाँ बनी रहे, इसलिए हम एक गणपति रखते हैं। हालांकि उसके पीछे एक छोटी सी परंपरा भी है, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ, कि हमेशा एक गणपति आपको साल भर अपने घर रखना चाहिए। मैं सलाह देता हूँ, यदि आपके यहाँ पहले से गणपति हैं तो आप पहले वाले गणपति जी को इस बार विसर्जित कर लें और नए वाले गणपति जी को पूरे साल भर आप पूजा में रखें, तो गणपति जी इस रूप में आपके यहाँ वर्ष भर बने रहेंगे, उनका स्थान खाली नहीं होगा और उनके बैठने से
आपके घर में जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां सकारात्मकता में परिवर्तित होंगी। तो ऐसे भगवान गणेश को आप वर्ष भर रखें, वर्ष भर कहें गणपति बप्पा मोरिया, और उनको बढ़िया मोदक का भोग लगाएं, और हमेशा ध्यान रखें चूंकि मोदक उनको बहुत पसंद है, कोशिश करें ताजे मोदक अपने हाथ। लड्डू का भोग। रेखा जी आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? जी मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी कि 10-11 दिन हम गणपति स्थापना करते हैं, इन दिनों में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी गणेश स्थापना सार्थक हो, सही मायने में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी पूजा सफल हो? बिल्कुल, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। मैं हमारे जितने भी दखल न्यूज के दर्शक हैं जो आपने प्रश्न पूछा, मैं उसका उत्तर आपको देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है भगवान गणपति जी हमारे घर विराजे हैं, क्या करना है हमको सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ करना है। तो आप रोज स्नान ध्यान करें, रोज साफ वस्त्रों को आप धारण करें, जो भी जिस रंग के वस्त्र आपको धारण करने कोई उसमें नियति नहीं, कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन करें क्योंकि भगवान गणपति आपके घर आए हुए हैं। तो हम ब्रह्मचर्य रूपी शक्ति को जितना इकट्ठा कर पाएंगे बहुत बेहतर स्थिति में रहेगा। दूसरा, यदि आपके घर परिवार में कोई मदिरा का पान करता है तो आप कोशिश करें कि वो मदिरा पान कम से कम जब तक गणपति जी आपके घर में है ना करें। इसके अलावा मांस मदिरा या किसी भी प्रकार से हम यदि प्याज लहसुन का भी प्रयोग यदि वर्जित कर पाए तो बहुत शुभ होता है। आप जमीन पे सोने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने बिस्तर पर सोएं, लेकिन बिस्तरों पे साफ स्वच्छ वस्त्र आप बिछाकर आप आराम करें। और कोशिश करें जब तक गणपति जी आपके यहाँ घर में है आप भगवान गणपति का जो मंत्र आपको आता है उसका मन में जितना सुमिरन करेंगे गणपति जी उतना हजार गुना आपको जो है उसका प्रतिफल देंगे। तो आप भगवान गणपति जी की इस तरह से पूजा अर्चना करें। अब हमारे दर्शकों को हमारे पंडित जी बताएंगे कि कैसे श्री गणेश जी का मस्तिष्क जो है वो हाथी का हुआ, और अब जब हम अपने घर में मूर्ति की स्थापना करें तो गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए? पंडित जी लोगों के मन में एक ये बात रहती है कि गणेश जी की सूंड किस तरफ हो और गणेश जी का मस्तिष्क हाथी का कैसे हुआ? बहुत सुंदर और बड़ी सुंदर सी कथा है। जैसा हम सभी जानते हैं माता पार्वती ने अपने एक पुत्र के रूप में भगवान गणेश को उन्होंने निर्मित किया। उसके बाद जब माता पार्वती स्नान कर रही थी और वो स्थिति थी जिसमें महिला अपने पुरुष के सामने आने में एक वर्जना की जो स्थिति है पुरुष के सामने आती नहीं, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा आप जो है इस द्वार की रक्षा करना और किसी को अंदर आने नहीं देना। वो इतने आज्ञाकारी थे, मात्र भक्त थे, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने दंड दिया और कहा कि कोई भी आए उसको आप अंदर मत आने देना। उन्होंने किसी को अंदर नहीं आने दिया। भगवान शिव पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा भाई मैं आपकी माँ का पति हूँ। तो वो बाकायदा अंदर जाने की चेष्टा करने लगे लेकिन उन्होंने अपने दंड से रोका। बाद में दोनों के बीच में युद्ध हुआ और जिसमें भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का जो मुख था उनके गर्दन धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया। माँ पार्वती उसी समय अपने स्नानागार से बाहर आई और बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने कहा कि आपने ये कैसे कर दिया, ये आप ही का पुत्र है। पूरे संसार को उन्होंने कहा कि यदि आपने इसको जीवित नहीं किया पूरे संसार को भस्म कर दूंगी। तो उसी समय भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी अभी बालक जिसने जन्म लिया हो चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो तुरंत लेकर आए। जैसे ही भगवान के गण ढूंढने गए तो तुरंत एक हथिनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था, उसके मस्तक को लेकर आए। भगवान शिव चूंकि मृत संजीवनी के सबसे बड़े जानकार थे तो उन्होंने उसको एक बार पुनः जीवित किया। तो इसलिए भगवान गणेश जो है वो गजमुख है। ऐसे भगवान गणेश की हम और आप पूजा अर्चना आज पूरे दिन भर करेंगे और आप उनका आशीर्वाद लें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितनी बुद्धि हाथी में होती है गज के मस्तक में होती। मस्तक चूंकि बड़ा बुद्धिशाली होता है और कम बोलता है, टू द पॉइंट बात करता है, जब उसको जरूरत होती तभी वो अपने कार्य को संपन्न करता है। तो ऐसे सबसे प्रखर बुद्धिशाली महामस्तिष्क के जातक ऐसे भगवान गणपति जी का आज जन्मोत्सव है और आप देखिए हस्त नक्षत्र में वो पैदा हुए और आज हस्त नक्षत्र बहुत बड़ी बात है और आज सोमवार का दिन है
भगवान शिव और पार्वती का प्रिय दिन, और माता पार्वती ने आज हरतालिका तीज का व्रत भी रखा, आज उनका भी दिन है। तो दोनों तिथि आज युत हैं, तो आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें और साथ साथ भगवान गणपति जी की भी पूजा अर्चना करें। आगे गणेश जी की कथा जानने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि गणेश जी की सूंड किस तरह होनी चाहिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आपने तो 71 से लेकर 62 तक और फिर कारगिल तक सारे दौर देखे, इस दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार किसकी नजर आई? अब जो कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ भी गाली दे लीजिए, लेकिन बात यह है कि उस महिला ने वो करके दिखाया जो हमारे किसी मर्द ने नहीं किया। फिर दो चीजें निकल के आई कि ढोर चराएं और बाजा। मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर एक पर है बेरोजगारी के नाम पर। तो आज कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी सोच हर तबके के बच्चे के लिए, पढ़ा लिखा भी और अशिक्षित। तमाम मंत्री, उनके तमाम प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रही है। मैं आरोप झूठा लगाऊं या आप मेरे पर झूठा हो, लेकिन जो सुन रहे हैं वो तो सत्य समझ। कमलनाथ जी का भविष्य कैसा दिखता है? 27 जुलाई की मैं तारीख को आपके सामने कह रहा हूं कि इसके बाद ये सरकार मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय सर्वाइव कर पाएगी। आप नेता से पहले कवि हैं। इस देश में दो किस्म की संस्थाएं, एक अवार्ड देती है, दूसरी अवार्ड लौटाती है। दरिया हमारे पास है, समंदर तलाश कर। बीजेपी से नहीं होती तो शायद उनकी जमाना जब्त हो जाती। पिछली बार भी मोदी को ही वोट दिया, तब सारी दुनिया चाहती थी, सारा देश ये चाहता था कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी लहर थी, और इस बार मोदी जी के लहर के साथ साथ विकास की लहर थी, दोनों मिलकर आंधी बनी है। मकान को घर बनाना, मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा ताकत है। शरीर तो होता है मकान, लेकिन घर बनाने में दिल लगाना पड़ता है। लड़कपन के कारण तो ऐसा नहीं हुआ पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया कि ये बहुत लड़ते हैं, पता नहीं मंत्री बन गए तो क्या कर देंगे? ये इसमें कहां क्यों नहीं दिया, इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा ये बात हुई कि नहीं आगे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। राहुल गांधी तो अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद एक कोई ऐसा अध्यक्ष कांग्रेस में बना है जो इस तरह के विचार रखता है। संजय जी, जी बहुत मास के बीच में, पब्लिक के बीच में सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? ये मेरा दीवानापन या मोहब्बत का सुरूर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम पंडित जी से आगे जानेंगे कि किस तरफ गणेश जी की सूंड होनी चाहिए। जो पंडित जी ने अभी कथा सुनाई थी कि गणेश जी का मस्तक कैसे हाथी का हुआ, लेकिन फिर उसके बाद पार्वती जी में एक विचलित हो गई थी, उनमें एक सवाल उठने लगा था कि मेरे पुत्र का जो मुख है वो हाथी का हो चुका है, अब लोग उनकी मजाक बनाएंगे, उस पर क्या हुआ था पंडित? उसके बाद जब सारे देवी देवता वहां पर प्रकट हो गए, माता पार्वती अपने क्रोध को सहन नहीं कर पा रही थी, क्रुद्ध अवस्था में थी, सारे देवी देवता और पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तब सारे देवी देवताओं में से सबसे पहले भगवान विष्णु ने कहा कि हे, चूंकि वो हमेशा माता पार्वती को अपनी बहन के स्वरूप में मानते थे, उनकी बात को वो हमेशा आदर देती थी, तो उन्होंने कहा कि आप नाराज नहीं होइए, हम आपके पुत्र को सारे देवी देवताओं का अग्रज माने सबसे पहला प्रथम पूज्य बना दें। तब माँ प्रसन्न हुई, सबने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की, भगवान गणेश को देवाधिदेव सारे देवों का प्रथम पूज्य बनाया गया कि जब भी चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी भी देव की पूजा होगी तो सबसे पहले भगवान गणपति की पूजा होगी, क्योंकि वो गणों के अधिपति अर्थात जिनके अधीन ये पूरा ब्रह्मांड है।
उसमें चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु हो या महेश हो, सब उनके अधीन आते। तो उनके माता पिता ने भी उनकी सबसे पहले पूजा की। और इसका उदाहरण सबसे पहले मिलता है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहानी यूं है कि बात हुई कि साहब इस ब्रह्मांड में सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। तो उन्होंने कहा जो भी इस ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगा कर आएगा उसकी पूजा, वही प्रथम पूज्य बनेगा। एक ये भी कहानी थी। तो भगवान गणपति चूंकि बहुत बुद्धिशाली थे, उनके बड़े भाई कार्तिकेय जो है वो अपने वाहन मयूर पर सवार होकर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने चले गए। लेकिन वो इतने बुद्धिशाली थे, उन्होंने अपने माता पिता को एक दोनों को आसन पर बिठाया और उनकी पूरी परिक्रमा की। उन्होंने कहा माता पिता जो है वो धरती के बराबर हो गए, इस ब्रह्मांड के बराबर होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही अंड के स्वरूप में हमको जन्म दिया। तो सबसे पहली पूजा माता पिता की होती है। तो उन्होंने अपने माता पिता का एक चक्कर लगाया, उनके सामने बैठ गए। उन्होंने कहा मैंने ब्रह्मांड की जो है परिक्रमा कर ली। बड़े भाई आए, वो नाराज होकर चले गए। उसकी भी एक अपनी कथा है। तो ये भगवान गणपति के प्रथम पूज्य होने की भी एक बड़ी सुंदर सी कथा है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया। बात आती है जब प्रथम पूज्य बने, तो उसके बाद भगवान गणेश का एक दांत जो है वो भगवान परशुराम ने अपने परशु से तोड़ दिया था, क्योंकि भगवान परशुराम भी भगवान शिव के ही पुत्र माने जाते थे, गणेश के भाई होते थे वो। इसकी भी अलग अलग कथाएं हैं। तो जब गणेश का एक दांत टूटा तो उसके बाद उनको बहुत तकलीफ हुई, तो वो एक तरफ अपनी सूंड को करके भोजन को ग्रहण करते थे। तो आप देखेंगे उनकी सूंड सामने नहीं रहती, उनकी सूंड एक तरफ रहती है, या तो वो बाईं तरफ रहेगी या दाईं तरफ रहेगी। तो बाईं तरफ सूंड में जो है वो बहुत सामान्य रूप में रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब दाईं सूंड तरफ सूंड में आते हैं तो उनकी पूजा तंत्र माने अलग तरीके से होती है। तो दोनों तरफ का विधान है, लेकिन जितने भी गृहस्थ लोग हैं, हम परिवार के लोग हैं, तो हमको भगवान गणेश की जो पूजा अर्चना है वो बाईं तरफ, अर्थात जैसे हम सामने बैठे हुए हैं तो हमारा ये जो लेफ्ट हैंड है इस तरफ सूंड होना चाहिए। यदि हम उनके अपोजिट बैठे हैं तो हम उनकी सूंड हमारे राइट तरफ होना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को भगवान गणपति के स्वरूप में मानते हुए इस प्रकार से देखें कि सूंड उनकी बाईं तरफ होना चाहिए। तो ऐसे गणपति जी को लेकर आए। हमेशा जब भी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो जैसे हमारे नाखून पूरे पांच होते हैं, पांच उंगलियां होती हैं, आप कोशिश करें कि जब मूर्ति को आप लेकर आए तो उसमें भी पांच आपको पूरे सब दिखाई दें, पैर भी दिखाई दें और हाथ भी दिखाई दें। जब वो आशीर्वाद और एक तरफ अपने लड्डू या परशु को रखे रहते हैं उसमें भी आप देखें कि कोई चीज़ टूटी फूटी तो नहीं है, या वो मूर्ति में कहीं कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि हम भगवान को संपूर्ण रूप में पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो आप उनकी मूर्ति को जब भी लेकर आए इन चीजों का ध्यान रखें। जी स्वाति जी, आप कुछ सवाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे हम गणेश जी को दूबा चढ़ाते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम गोल सुपारी और जनेऊ भी चढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जिस दिन हम स्थापना करते हैं उस दिन हम गोल सुपारी, तो ये रोज जब हम उनकी पूजा करते हैं 11 दिन तक, तो ये गोल सुपारी और जो जनेऊ होता है वो बदलना चाहिए कि जिस दिन हम स्थापना करते हैं वो एक ही 11 दिन तक चलना चाहिए? वो एक ही 11 दिन तक चलना चाहिए, क्योंकि हम जो गोल सुपारी लेते हैं मूलतः दो सुपारी होना चाहिए, एक गौरी और एक गणेश, ये उसका तात्पर्य है। क्योंकि हम मिट्टी की मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, उन पे हम जल नहीं चढ़ा सकते, उन पे हम पंचोपचार से जो पूजा होती है दूध दही घी शहद और शक्कर, तो ये हम कहाँ चढ़ाएंगे? सुपारी पर। और आप जब वहां पर कुछ आप पूजा कर ले तो शुद्धोदक स्नान से उसको साफ करके उसको वैसे एज इट इज कर दीजिए और रोज आप 11 दिनों तक आप उनकी पूजा करिए। तो दो सुपारी रखें, एक गौरी और एक गणेश। जी आप कुछ सवाल कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी पंडित जी कि हम गणेश स्थापना करते हैं तो विस्तार से आप हमें उसकी विधि बताएं जिससे हम अच्छे से स्थापना करके भगवान को विराज करें। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है और हमारे दखल न्यूज चैनल के जितने दर्शक हैं मैं उन सबको बहुत संक्षेप और विस्तार दोनों प्रकार से आपको पूजा विधि बतलाई देता हूं। आप गणपति जी लेकर आइए, पूजा का मुहूर्त क्या होना चाहिए ये तो मैंने आपको बताया। दोपहर में 3:35 से रात को 8:04 के बीच में आप ला सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा है? शाम को 5:09 से 6:43 के बीच में। इस समय आप अपने घर जो अमृत का चौघड़िया जिसको हम कहते हैं उस समय आप गणपति जी को लेकर आए। आप अपने घर में लकड़ी के पटे पर बढ़िया सुंदर
या तो सिंदूरी रंग का वस्त्र आप बिछाएं या उसको बढ़िया हरे वस्त्र आप लकड़ी के पटे के ऊपर बिछाइए, गणपति जी को रखिए। उनके पास एक कलश स्थापना, हमारे यहाँ जब भी शुभ कार्य होता है तो हम कलश स्थापना करते हैं। तो जो आपके घर में कलश हो, मिट्टी का हो कोई बात नहीं, आपके पास पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, आप उसको कलश के रूप में लीजिए। उसमें 5 पत्ते आम के जरूर डालिए, क्योंकि आम के पत्ते हमारे यहाँ शुभ का प्रतीक होते हैं। और उसके ऊपर बढ़िया नारियल रखिए। नारियल रखने के बाद गोल कलावे से आप जो है उसको नारियल को भी लगा दीजिए और साथ साथ जो है आप कलश को भी लगाइए, कलश की पूजा करिए। कलश की पूजा स्थापना के बाद जो 2 गोल सुपारी हैं आपके पास, उन 2 गोल सुपारी में एक को गणपति जी मानिए और एक को गौरी मानिए। पहले गणपति जी की पूजा करिए, फिर गौरी की पूजा करिए, उनको जनेऊ यानी वस्त्र पहनाइए, फिर पंचोपचार दूध दही घी शहद और शक्कर के साथ उनकी पूजा करिए, फिर शुद्धोदक स्नान कराइए। भगवान गणपति जी को आप सिंदूर लगाइए, सिंदूर लगाया जाता है भगवान को, उसके बाद रोली चावल आप लगाइए, पुष्प की माला आप उनको पहनाइए, उसके बाद उनको वस्त्र उड़ाया जाता है। तो हरा या सिंदूरी रंग का एक छोटा सा कपड़ा रुमाल आप ले आइए, तो उनको वस्त्र के रूप में काम में। उसके बाद भगवान को दूर्वा चढ़ाइए, उनको फल का भोग लगाइए, अर्थात केले या आपको जो भी ऋतु फल है, सेब वगैरह जो आप सहज रूप में ला पाए वो आप लेकर आइए, और उसके बाद भगवान को मोदक का भोग लगाइए। फिर आप भगवान जी की बहुत विधि पूर्वक आरती करिए, बहुत सुंदर सी आरती है। आरती करने के उपरांत हमको क्षमा प्रार्थना हमेशा मांगना चाहिए, तो क्षमा प्रार्थना का जो मंत्र आपको आता है वो मंत्र आप उच्चारण करें, नहीं आता तो भगवान से बहुत साधारण स्वरूप में आप कहिए कि हे ईश्वर, हे गणाधिपति, आप हमारे घर में पधारे हैं, आप हमको 11 दिनों तक आशीर्वाद दीजिए ताकि पूरे वर्ष भर हम आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आपके आशीर्वाद के चलते अपने जीवन को धन्य बना पाए। इस प्रकार से प्रभु से आशीर्वाद मांगिए। बहुत सुंदर सुंदर से मंत्र हैं, एक बहुत साधारण मंत्र है जो सभी जानते हैं, ओम गणेशाय नमः। इसको और थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए, ओम गंग गणपतये नमः। गा के ऊपर अम की बिंदी है, उसको गंग बोलते हैं, माने उच्चारण ऐसा, ओम गंग गणपतये नमः। एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम वक्र तुंडाय हुम फट स्वाहा। ये तंत्र का मंत्र है, इसमें हुम फट दोनों स्त्री और पुरुष शक्ति दोनों आ जाते हैं, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मंत्रों का जाप करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना इन दिनों में बहुत शुभ माना जाता है, तो बढ़िया गणेश अथर्व शीर्ष का आप पाठ करें। मुझे लगता है कि इतना करेंगे तो ईश्वर 11 दिनों में आपको आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। गणेश जी को एक नाम से नहीं जाने जाते, चिंतामण, गणेश, गणपति, गणराज, एकदंत, कई अनेक नाम है गणेश जी, लेकिन गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। मोदक ही क्यों पसंद है गणेश जी को जानते हैं पंडित जी? एक बार भगवान गणपति को बहुत जोर से भूख लगी और उनकी भूख या उनकी क्षुधा जिसको कहते हैं वो शांत नहीं हो रही थी, और माँ छोटे छोटे से मोदक बना रही थी, तो उन्होंने सहज रूप में कहा, गणेश दौड़े दौड़े छोटे से थे, अपनी माँ पार्वती के पास गए, उन्होंने कहा माँ मुझे भूख लग रही है और बहुत जोर से भूख लग रही, तो माँ बार बार उनको मोदक देती और मोदक से भी क्षुधा नहीं उनकी जाती, लेकिन माँ ने बनाना उसको कम नहीं किया और एक स्थिति आई उनका उदर उससे भर गया। तब से भगवान गणपति जी की क्षुधा यानी भूख को शांत करने के लिए मोदक का भोग लगाया जाता है। तो आप भी अपने हाथ से जो मोदक, जो लड्डू आपको अच्छा लगे, चाहे बूंदी का हो, बेसन का हो, भगवान तो मोदक के प्रिय हैं। आप जैसे आटे का भी लड्डू आप बना के खिलाएंगे तो वो भी मोदक के स्वरूप में है। तो आप कोशिश करिए कि 11 दिन हम उनको केवल मोदक का भोग लगाएं, परंतु ध्यान रखें उनमें संख्या थोड़ी सी नियत है, या तो आप 5 मोदक लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 9 या 11, इस क्रम संख्या में मोदक का भोग भगवान गणपति को लगाएंगे। भगवान गणपति की छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां हैं, इसीलिए वो बच्चों के कुछ ज्यादा ही पसंदीदा भगवान कहलाते हैं, और बच्चों का मन जो है गणपति की पूजा में बेहद लगता है, वो भी क्यों ना, क्योंकि वो बुद्धिदाता जो है और बच्चों को शिक्षा में भी बहुत मदद करते हैं हमेशा। पंडित जी, बच्चों को किस तरीके से पूजन करना चाहिए, बच्चों को इस वक्त ये 11 दिन उनके पूरे साल की पढ़ाई में कैसे सहायक हो सकता? देखिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चे हैं, पूजा पाठ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, केवल 3 चीजें करें। भगवान को वस्त्र अपने हाथ से उड़ा सकते हैं,
भगवान को अपने हाथ से लड्डू यानी मोदक का भोग लगा सकते हैं, भगवान को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से बुध ग्रह मजबूत होता है, मोदक चढ़ाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। तो बृहस्पति और बुध दोनों को आपने मजबूत कर लिया तो आपकी शिक्षा में आप सफल होंगे, करके देखिए। पंडित जी ये तो बात हो गई बच्चों की, अब हम सिलसिलेवार 12 राशियों पे और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से 12 राशि वालों के लिए फलेंगे गणेश जी और कौन से रंग के गणेश जी होने चाहिए या कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, 12 राशियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यदि मेष और वृश्चिक राशि के आप जातक हैं, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल है, तो आप अपने घर में लाल रंग के गणपति जी लेकर आए, आपको बहुत लाभकारी होंगे। मैं बात करता हूँ वृषभ और तुला जिनका स्वामी शुक्र है, तो आप श्वेतार्क माने श्वेत रंग के गणपति, चाहे वो किसी भी संगमरमर के हो या किसी भी प्रकार से हो, श्वेत रंग के गणपति जी लेके आए। हमेशा ध्यान रखें गणपति जी की सूंड बाई तरफ होना चाहिए, वो चाहे किसी भी राशि का जातक क्यों ना हो। बात करते हैं मिथुन और कन्या राशि के, राशि स्वामी बुध है, हरे रंग के गणपति लेकर आइए, बहुत लाभकारी होगा। बात करते हैं कर्क राशि की, राशि स्वामी चंद्रमा है, आप श्वेत रंग के गणपति जी ला सकते हैं जिनमें थोड़ा सा सिंदूरी रंग समाहित हो। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए, हल्के भूरे रंग और जिसमें सिंदूरी रंग मिला हो ऐसे रंग के गणपति जी आप लेकर आए। बात करते हैं हम धनु और मीन राशि की, तो इन राशि के जातकों का स्वामी होता है बृहस्पति, आप पीले रंग के गणपति जी लेकर आ सकते हैं, बहुत शुभ और लाभकारी होंगे। वही हम बात करते हैं मकर और कुंभ राशि की, मकर और कुंभ राशि जिसका स्वामी शनि है, आपको नीले रंग का नहीं लाना है, आपको कौन से रंग का लाना है, आपको हरे रंग के गणपति जी लेकर आना है। तो आप हरे रंग के गणपति जी लेकर आए तो आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा। पंडित जी ने आपको बताया कि 12 राशियों पे कैसे किस रंग के गणेश जी आप अपने घर पर लेके आए। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी आप हमारे स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। स्वाति जी आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत धन्यवाद। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आपने तो 71 से लेके 62 तक और फिर कारगिल तक सारे दौर देखे, इस दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार किसकी नजर आई? अब जो कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ भी गाली दे लीजिए, लेकिन बात यह है कि उस महिला ने वो करके दिखाया जो हमारे किसी मर्द ने नहीं किया। फिर दो चीजें निकल के आई कि ढोर चराएं और बाजा बजाएं। मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर एक पर है बेरोजगारी के नाम पर, तो आज कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी सोच हर तबके के बच्चे के लिए, पढ़ा लिखा भी और अशिक्षित। तमाम मंत्री, उनके तमाम प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रही है। मैं आरोप झूठा लगाऊं या आप मेरे पर झूठा हो, लेकिन जो सुन रहे हैं वो तो सत्य समझ। कमलनाथ जी का भविष्य कैसा दिखता है? 27 जुलाई की मैं तारीख को आपके सामने कह रहा हूं कि इसके बाद ये सरकार मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय सर्वाइव कर पाएगी। आप नेता से पहले कवि हैं। इस देश में दो किस्म की संस्थाएं, एक अवार्ड देती है, दूसरी अवार्ड लौटाती है। दरिया हमारे पास है, समंदर तलाश कर। बीजेपी से नहीं होती तो शायद उनकी जमाना जब्त हो जाती। पिछली बार भी मोदी को ही वोट दिया, तब सारी दुनिया चाहती थी, सारा देश ये चाहता था कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी लहर थी, और इस बार मोदी जी के लहर के साथ साथ विकास की लहर थी, दोनों मिलकर आंधी बनी है। मकान को घर बनाना मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा ताकत लगती है। शरीर तो होता है मकान, लेकिन घर बनाने में दिल लगाना पड़ता है। लड़कपन के कारण तो ऐसा नहीं हुआ पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया कि ये बहुत लड़ते हैं, पता नहीं मंत्री बन गए तो क्या कर देंगे? ये इसमें कहाँ क्यों नहीं दिया, इसका कभी कोई जवाब नहीं मिला। हमेशा ये बात हुई कि नहीं आगे देंगे, ये देंगे, वो देंगे। राहुल गांधी तो अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद एक कोई ऐसा अध्यक्ष कांग्रेस में बना है जो इस तरह के विचार रखता है। संजय जी जी, बहुत मास के बीच में, पब्लिक के बीच में सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? ये मेरा दीवानापन या मोहब्बत का सुरूर। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक,
व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।